हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड नॉलेज इन मेडिकल है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीयू में यूज होने वाले इंजेक्शंस की, यानी आईसीयू में कौन कौन से ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं एंड कौन से पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है और किस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो इन सबकी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे शुरू से एंड चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि गाइस आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही मेडिकल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल रिलेटेड हर एक नॉलेजल वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि आईसीयू क्या होता है। तो गाइस आईसीयू परफॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें सीरियस पेशेंट्स को रखा जाता है जिनका लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट चलना होता है एंड उनमें इन्फेक्शन डिजीज होती है एंड कोई लॉन्ग डिजीज होती है, तो उनको यहाँ पर रखा जाता है। जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं तो उनको यहाँ पर आईसीयू में एडमिट किया जाता है एंड उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चलता है। तो ऐसे अब बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट किस आधार पर चलता है, किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, आईसीयू में किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वैसे आईसीयू ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर दिया जाता है उसके पेशेंट की डिजीज के अकॉर्डिंग, उसके पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, यानी जिस कंडीशन का पेशेंट है, जिस डिजीज का जो पेशेंट है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसको अगर आईसीयू में एडमिट किया गया है तो उसमें उसकी कार्डियक मेडिसिन सब वो चलेगी, जैसे हाइपरटेंशन की या फिर हाइपोटेंशन की, हार्ट फेलियर की, जो भी है तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। एंड कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी एंटीबायोटिक चलेगी जिससे कि इन्फेक्शन कम हो। एंड जो कोई और अलग पेशेंट है, जैसे आरटी वगैरह का है, तो उसको ब्लीडिंग रोकने की एंड जो बोन फ्रैक्चर है तो उनकी अलग चलेगी। तो सबका अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है आईसीयू में, तो सबकी एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं इंजेक्शन है रेगनाल, जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। एंड गाइस इसकी बात करें यूज की, तो इसका यूज किया जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग में। तो गाइस जब हम हॉस्पिटल सेटअप में, यानी हॉस्पिटल हो, आईसीयू हो, इमरजेंसी हो या कहीं पर भी हॉस्पिटल का एनी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वोमिटिंग के। एंड पेशेंट को सबसे ज़्यादा होती है वोमिटिंग, नोजिया, यानी कभी तो वोमिटिंग का मन करेगा, यानी उल्टी होने का मन करेगा या फिर उसको उल्टी होगी, तो ये सारे कंडीशन सबसे पहले साइन सिम्टम दिखेंगे। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ये टेबलेट है या इंजेक्शन है वो दिया जाता है रेगनाल एंड मेटाक्लोपिरामाइड, इसमें शार्ट पाया जाता है। एंड गाइस इसका यूज देख सकते हो, ये फ्रॉम सर्जरी, बिफोर सर्जरी यानी एंड कीमोथेरेपी, यानी कोई भी कीमोथेरेपी देते हैं या फिर सर्जरी करते हैं तो उससे पहले दी जाती है, जिससे कि प्रोसीजर के दौरान यानी प्रोसीजर के ड्यूरिंग जो पेशेंट को वोमिटिंग यानी उल्टियाँ ना हो। तो गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है वो हमारी है इंजेक्शन मिडाजोलम, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी इंजेक्शन है गाइस, इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एंड इसके यूज की बात करें तो इसका यूज किया जाता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, यानी जब भी हमें एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो जाती है, यानी कि जब हमारी जो बॉडी की सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाती है, आपस में बहुत ज़्यादा रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए मेटाजोलम का यूज़ किया जाता है। एंड नोजिया वोमिटिंग में भी किया जाता है, जब वो इन्फेक्शियस कंडीशन में, एलर्जिक कंडीशन में नोजिया वोमिटिंग होती है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेटाजोलम का यूज किया जाता है। एंड सेडेशन, यानी किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही तो नींद लाने के लिए भी मेटाजोलम का यूज किया जाता है। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है गाइस, हम जब भी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बॉडी एंटीजन रिएक्शन करने लगते हैं एंड वहाँ पर एलर्जी हो जाती है और एक सीरियस कंडीशन हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी मेटाजोलम का यूज़ किया जाता है। एंड गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारी नेक्स्ट है वो जाता है इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, एंड काफ़ी ज़्यादा ये भी यूज़ किया जाता है। एंड ये गाइस इसका यूज़ की बात करें तो ये भी एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन है, यानी ये भी एलर्जी में यूज़ किया जाता है। जो काफ़ी ज़्यादा सीवियर जब एलर्जी हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि गाइस हमें कोई इंसेक्ट है, यानी कोई कीड़ा मकोड़ा खा लेता है, जैसे बाइट कर लेता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में या स्किन में एलर्जी ना हो। एंड हम फूड पॉइजनिंग के पेशेंट को भी एपिनेफ्रिन वगैरह चढ़ाया जाता है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हो जाता है इंजेक्शन मोनोसेफ, एंड ये एक एंटीबायोटिक है जो काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है। सेफ्रोटॉक्सिन इसमें 60 है वो पाया जाता है, एंड 1 ग्राम में देखने को मिल जाती है। एंड आईवी ही इसका यूज़ किया जाता है, आईएम नहीं किया जाता, वैसे आईएम दे रखा है बट आईएम का भी इसका यूज नहीं करते, ज़्यादातर आईवी ही इसका यूज़ किया जाता है। एंड गाइस बात करते हैं कि जो सेफ्रोटॉक्सिन है यानी मोनोसेफ, उसका यूज किस में किया जाता है। तो गाइस इसका यूज की बात करें तो यूज देख सकते हो एनसेफलाइटिस, मतलब गाइस जो हमारी ब्रेन की लेयर्स होती है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी प्रकार का तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। यह एंटीबायोटिक है, यानी जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। एंड यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, जब भी हमें कोई भी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। गाइस मोस्टली क्या होता है, जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं, रीनल फेलियर या फिर ट्रांसप्लांट वाले, तो उनमें ज़्यादातर
चांसेस होते हैं यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के, या फिर ड्यूरिंग द कैथेटराइजेशन यानी जब भी पेशेंट में कैथेटर लगाते हैं तो उस टाइम पे भी जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यानी यूटीआई होने के चांसेज होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए मोनोसेप का यूज किया जाता है। एंड अर्थराइटिस यानी जब भी हमारे जॉइंट्स है उसमें इन्फेक्शन हो जाए यानी जॉइंट्स का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए, हड्डियों का इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी मोनोसेप का यूज किया जाता है। एंड गोनोरिया यानी एक STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्स के दौरान इंटरकोर्स के दौरान फैलती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी मोनोसेप का यूज़ किया जाता है। एंड गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारी नेक्स्ट है वो एंटीबायोटिक है, वो आ जाती है पिप्रिसिलिन। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसमें पिप्रिसिलिन एंटेजोवेक्टम स्टार्ट पाया जाता है, एक यह कॉम्प्लेक्स जो मेडिसिन है इंजेक्शन है एंटेजैक नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड इसके यूज़ की बात करें तो गाइस इसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो वैसे एंटीबायोटिक है तो मेनली इनका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ट्रीट करने के लिए ही किया जाएगा। एंड इस देख सकते हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अगर हमारे स्टोमक में, बाउल में, लंग्स में, स्किन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी क्या इस थोरेसिक एंड जो भी अबडोमिनल एरिया में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए पिप्रिसिलिन का यूज किया जाता है। एंड गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारी नेक्स्ट है वो जाती है इंजेक्शन अमिकासिन। एंड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एंड बहुत कॉमन है, अमिकासिन नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड गाइस इसके यूज की बात करें तो इसका यूज किया जाता है सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी गाइस जब भी बहुत ज़्यादा सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इट किल बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट देयर ग्रोथ, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हमें बहुत सीरियस तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारी अमोक्सिसिलिन। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है एंड ये भी एक सीरियस इन्फेक्शन में यूज की जाती है। एंड गाइस इसके यूज देख सकते हो स्किन, बोन, जॉइंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड GIT एंड मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन में यूज की जाती है। यानी जब भी हमें कोई भी लंग्स की डिजीज हो जाए या फिर GIT हो जाए, मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन क्लियर्स की जो इन्फेक्शन हो जाए तो उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन वो है मेकोवाल्बिन, एंड काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। एंड ये गाइस क्या होता है Vitamin B12 होती है तो उसका साल्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो गाइस Vitamin B12 के सप्लीमेंट है, ये देख सकते हो मिथाकोबाल इज ए सप्लीमेंट ऑफ Vitamin B12 एंड Vitamin B12 इज एसेंशियली फॉर RBC एंड आयरन अब्जॉर्प्शन इन बॉडी। गाइस ये हमारी क्या करती है, Vitamin B12 हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, RBC फॉर्मेशन में हेल्प करती है एंड अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, आयरन वगैरह के जो अब्जॉर्प्शन है बॉडी में उसमें भी हेल्प करती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये क्या होता है कि जो खून की कमी वाले पेशेंट होते हैं जिनमें ब्लड की कमी होती है तो उनमें ज़्यादातर लगाए जाते हैं, एंड जो RTA वाले पेशेंट हैं उनमें भी चढ़ाई जाती है, एंड बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें Vitamin B12 की कमी होती है तो उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है आयुषुगंधर एंड इट कॉम्बिनेशन ऑफ अदर विटामिन एंड इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है एंड मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करती है। तो गाइस ये सारी विटामिन का कॉम्बिनेशन भी होता है जो कि हमें सारी विटामिन है वो प्रोवाइड कर देता है एंड बॉडी की फंक्शनिंग है वो कुछ सही कंट्रोल कर देता है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन वो आ जाता है आयरन सुक्रोज, एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है आयरन जो इंजेक्शन है वो भी, एंड इसका यूज़ किया जाता है ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। गाइस एनीमिया हो जाती है यानी ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसको ट्रीट करने के लिए आयरन जो इंजेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है। एंड इसका यूज कॉमनली जो स्पेशली यूज़ किया जाता है वो किया जाता है CKD पेशेंट यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो भी मतलब किडनी के पेशेंट होते हैं, रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो गाइस इसका यूज बॉडी में जो आयरन एंड हीमोग्लोबिन है उसको इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो आयरन है वो कम हो जाएगा तो ब्लड की फंक्शनिंग है वो भी रुक जाएगी एंड RBC फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा तो उसको ट्रीट करने के लिए आयरन का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारा नेक्स्ट है वो आ जाता है इंजेक्शन MPI एंड काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है ये भी, तो इसमें फुल फॉर्म होती है मल्टीविटामिन इंजेक्शन एंड काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन हेल्पिंग विटामिन एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, तो ऐसी इसमें सारी विटामिन का कॉम्बिनेशन होता है एंड ये हमारी बॉडी में जो विटामिन एंड न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उनको पूरी करने में हेल्प करता है। एंड MPI इंजेक्शन इज एसेंशियल फॉर गुड विजन, हेल्दी स्किन, बोन ग्रोथ एंड हेल्थी इम्यून सिस्टम। तो गाइस सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है तो वो किया जाता है इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के, क्योंकि गाइस जो भी आयुष्मान पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी है वो मतलब थोड़ी डिस्टर्ब होती है तो उसको सही करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए MPI वगैरह चढ़ाए जाते हैं। एंड इट आल्सो हेल्प इन मतलब हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शनिंग में हेल्प करता है, मतलब बूस्ट एनर्जी एंड एनर्जी के लेवल को भी बूस्ट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है MPI है।
तो ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आईसीयू के अंदर। एंड गाइस नेक्स्ट बात करते हैं तो गाइस हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन कॉन्ट्रामोल एंड टर्माडोल, इसमें शार्ट पाया जाता है। टर्माडोल नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गाइस ये एक सीवियर एनाल्जेसिक है जो कि बहुत ज़्यादा जब भी पेन होता है हमें बहुत ज़्यादा, जैसे RDA वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेन होगा तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए तो इसका यूज़ किया जाएगा जो टर्माडोल है उसका। एंड मॉडरेट पेन एंड सीवियर पेन में ही इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल पेन में कभी भी इसका यूज़ नहीं किया जाता। नॉर्मल पेन में ओनली डाइक्लोफेनिक सोडियम का यूज़ किया जाता है। एंड गाइस नेक्स्ट बात करते हैं तो गाइस हमारी नेक्स्ट हो जाती है टैबलेट क्लोपिवास 75। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाती है, एक एंटी प्लेटलेट्स है। एंड गाइस ये है जो कार्डियक पेशेंट उनमें यूज किया जाता है, जो ट्रीटमेंट अब बात करने वाले वो है कार्डियक पेशेंट्स में, जो यानी जो हार्ट के डिजीज वाले पेशेंट होते हैं तो उनमें बात करेंगे। तो गाइस ये एक एंटी प्लेटलेट है, यानी गाइस जब भी हमारे ब्लड की विस्कोसिटी वो ज़्यादा हो जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा ब्लड एंड प्लेटलेट ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो है वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा वेसल्स में और वहाँ पर मतलब हार्ट अटैक आने के चांसेज होते हैं, तो उसको रोकने के लिए एंटी प्लेटलेट यानी जो टेबलेट है क्लोपिवास 75 का यूज किया जाता है। एंड ये देख सकते हो गाइस रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक के जो रिड्यूस करता है रिस्क को। एंड गाइस नेक्स्ट बात करते हैं तो गाइस हमारी नेक्स्ट है वो जाती है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन, एंड काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस। सबसे पहले जब भी हमें हार्ट अटैक आता है या फिर हार्ट पेन होता है यानी चेस्ट पेन होता है तो उसमें सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। इसकी टेबलेट्स आती है जो सबलिंगुअली दी जाती है यानी जीभ के नीचे रखकर चूसी जाती है, जिससे कि वो जल्दी से अपने इफेक्ट दिखा सके, जल्दी से अब्जॉर्ब हो सके। तो वाइस इसका यूज हाइपरटेंशन में और चेस्ट पेन में यानी एंजिना में किया जाता है। एंड हेल्प इन डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं तो वाइस हमारे नेक्स्ट है वो जाती है टेबलेट्स एम्बलोबास 5 एंड एमोडीपाइन साइट, इसमें पाया जाता है। एंड एम्बलोबास 5 के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है एम्बलोबास के नाम से। एंड गाइस इसके यूज की बात करें, इसका यूज भी हाइपरटेंशन एंड एंजिना में किया जाता है एंड प्रिवेंट हार्ट स्ट्रोक एंड अटैक से बचाती है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं तो गाइस हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन नोरेड, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। एंड 4 mg में ये देखने को मिल जाता है, ये नोर एड्रीनलिन के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है और नोरेड के नाम से भी मिल जाता है। एंड गाइस इसका यूज हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर में किया जाता है, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है तो उसको हाई करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड कार्डियक अरेस्ट में भी हमारा इसका यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है गाइस हमारा जो हार्ट है ऑटोमेटिकली जो काम करना बंद कर देता है, फ्रीज हो जाता है, तो उसको रिट्राइव करने के लिए, उसको सही करने के लिए भी नोरेड का यूज किया जाता है। इट हेल्प इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो गाइस ये थे कुछ इंजेक्शन एंड टेबलेट्स जो कि आईसीयू में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। एंड जो इंजेक्शन अभी बच रहे हैं उनके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जो पार्ट सेकेंड होगा। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हमारी आए तो आपके पास जल्दी से पहुँच सके। बस इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड गाइस आपको कोई भी सवाल है, कोई भी टॉपिक है सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।